वर्तमान भविष्य और भूत बताने वाले आज हमारे साथ संत मौजूद है रामलला सरकार जी। सर ऐसा कौन सा चमत्कार है आप वर्तमान भविष्य और भूत बता जी? ये श्री राम जी के चरणों की कृपा है। सर्वप्रथम समस्त भारत माता के सुपुत्रों को मेरा कोट कोट वंदन प्रणाम। जय श्री रामलला सरकार। आपका प्रश्न मैंने सुना, आप अभी मेरे से पूछे कि ऐसा कौन सा चमत्कार है कि भूत वर्तमान भविष्य को लेकर आप बताते हैं। सत्य बात यही है कि भगवान के श्री चरणों की जब कृपा हो जाती है तो व्यक्ति कुछ भी बताने में सामर्थ्य हो जाता है, लेकिन वो परमार्थ के लिए होता है, जन कल्याण के लिए होता है, ना कि निजी स्वार्थ के लिए होता है जी। जैसा कि अभी मैंने देखा कुछ भक्त आए हुए थे, आपने कुछ किताब में लिख रहे थे, तो क्या लिख रहे थे आपने? देखिए, लिखना तो ऐसा होता है कि जैसे कोई मन में कुछ सोचा उसको इसलिए लिख देते हैं ताकि प्रमाण के लिए वो रहे, और सत्य बात तो यही है कि लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो विद्वान है वो तो सिर्फ मस्तक देख के बता सकता है, हम बताते भी हैं। हम कई बार ऐसा करते हैं कि कुछ भी नहीं लिखते, कागज़ पेन हमारे पास रखा होता है, हम लिखते नहीं, वैसे ही बताना शुरू कर देते हैं, और पूर्णतः 100% सत्य बात होती है। आप लोग अभी देखे भी कि मैं बहुत सारी ऐसी घटनाएँ बताया जो कि वो स्वीकारे कि हाँ इस सत्य है और सत्य हुआ है, मेरे साथ ये घटना घटी है। तो ये माँ भवानी कामाख्या के श्री चरणों के कृपा से है, रामलला सरकार के चरणों के कृपा से है, और मैं किसी जगह कहीं भी किसी भी व्यक्ति को बताने की सामर्थ्य रखता हूँ, लेकिन ये कृपा मेरे प्रभु श्री राम जी के चरणों के धूलि के कृपा से है, माँ कामाख्या के श्री चरणों के कृपा से है जी। जैसा कि गुरु जी आप सनातन को बचाने वाले हैं, सनातनियों को बचाने वाले, कुछ समय पहले रामचरितमानस को फाड़ा गया, जलाया गया, उसको किस हिसाब से देखते हैं और क्या सजा देंगे उनके लिए, क्या बोलेंगे? उनको भी मेरा कोट कोट प्रणाम ही है, क्योंकि ऐसे लोगों को प्रणाम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो अज्ञान है। अज्ञानियों को भी हृदय से प्यार स्नेह देना चाहिए, और कभी कभी हंसी भी आती है, दुख भी होता है, लेकिन एक शब्द को लेके हम हमेशा जीते हैं, माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन से करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी ते जानो निश्चय संप्राणी। वो निशाचर वृत्ति के होते हैं, जो माता पिता की बात नहीं मानते, गुरुजनों की बात नहीं मानते, सत्य सनातन धर्म को नहीं स्वीकारते, भगवान की निंदा करते हैं, जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, जो अपने सत्य सनातन धर्म का सम्मान नहीं करता, उसके लिए रामचरितमानस को फाड़ना या गुरुजनों को गाली देना, भगवान को गाली देना साधारण सी बात है। लेकिन हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं और करेंगे भी कि उनकी मति अच्छी हो जाए, अपने राह पे आ जाएं, और अपने राह पे आना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि भविष्य में बहुत बड़ी आपत्ति आने वाली है, उसको देखते हुए अगर वो लौट आते हैं तो अच्छा ही होगा जी। जैसा कि कुछ समय पहले छिंदवाड़ा में एक वैद्य हैं, उनने आपको चुनौती दी है, सनातनी को चुनौती दी है, किस हिसाब से देखते हैं वो? देखिए वैद्य जी, जो चुनौती दिए कि हमारे मन की गति अगर कोई लिख देता है या मैं लिख देता हूँ और हम जो लिखते हैं वही दूसरा कोई अगर लिख देता है भारत का विद्वान, तो उसको 1 करोड़ रुपये हम इनाम देंगे। वैद्य जी को चुनौती तो मैं क्या कहूँ, इसको हम चुनौती नहीं कहते, तो बच्चों का खेल है हमारे लिए लिखना, रामलला सरकार के चरणों की धूलि के कृपा से मैं तो राह में ऐसे चलते बच्चों की मन की बात लिख देता हूँ, छोटी सी बात है। वैद्य जी जो 1 करोड़ का इनाम रखे हैं, मैं वैद्य जी को स्वयं चुनौती देता हूँ, आपके प्रश्न को हम कहीं भी लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एक बात हमारी भी उनके लिए है, अगर एक कीवी के या मिर्गी के मरीज को वो 7 दिन में या 10 दिन में या 1 महीने के अंदर ठीक कर देते हैं तो मैं उनको 5 करोड़ रुपए दूंगा। उनके मन की बात तो छोड़िए, भारत में नहीं पूरे विश्व में कहीं भी व्यक्ति अगर खड़ा है, मुझे सिर्फ और सिर्फ तस्वीर दिखाई दे दे, मैं उसके मन के गति को लिखने में भी सामर्थ्य हूँ, श्री रामलला सरकार के चरणों की धूलि के कृपा से, माँ कामाख्या के श्री चरणों की धूलि के कृपा से। और वैद्य जी को एक छोटी सी बात कहूँगा कि समस्त विद्वानों को कभी ना ललकारें, भारत भूमि में एक एक से विद्वान है, और मैं उन लोगों की बात नहीं कहता जो इधर उधर भागते नजर आते हैं, लेकिन रामलला सरकार की कभी बात आएगी तो वैद्य जी को मानना पड़ेगा कि सत्य सनातन धर्म समुद्र से भी गहरा है। जैसा कि मेरे साथ मौजूद थे रामलला सरकार, उन्होंने साफ तौर पे कहा है आप सनातनी को ना ललकारें। बने रहिए तमाम खबरों के साथ आकाश तिवारी, अनन टीवी लाइव, नरसिंहपुर से।